देखो बेटा, नीति आयोग क्या था? नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देती हूँ। नीति आयोग की फुल फॉर्म है बच्चे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका मतलब ये है कि जनवरी 2015 में सरकार ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नीति आयोग था। नीति आयोग का पूरा नाम जो है हिंदी में, भारत रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान। इसका काम क्या था बेटा? ये जो नीति आयोग था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जितनी भी इकोनॉमिक से रिलेटेड प्लानिंग करनी है या पॉलिसी फॉर्मेशन करनी है, उन इश्यूज पर टेक्निकल एडवाइस देने का काम करेगा। ये आयोग जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी और जो आपकी नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों को ही नेशनल एजेंडे में जितनी भी एडवाइजरी की जरूरत है वो सारी एडवाइजरी देने का काम ये नीति आयोग करेगा। ये जितनी भी योजनाएं बनती हैं आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड, उन सभी प्लानिंग में नीति आयोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को हेल्प करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर कि जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन हमारी आजादी के 65 ईयर्स होने के बाद तक जो इंडिया है वो क्या है? एक अल्प विकसित देश होकर रह गया। लेकिन इसी चीज को ऊपर उठाने के लिए कि हम अभी भी एक अल्प विकसित देश होकर न रहे, हम और ज्यादा डेवलप्ड कंट्री रहे, इसलिए ये जरूरी हुआ कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसका पार्टिकुलर फोकस एक ही चीज पर रहे, वो ये चीज है बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में तालमेल बना के काम करना। और ये काम करने का काम कौन करता था बच्चे? नीति आयोग। ये सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था इसी ये इस तरीके से काम करना, और इंडिया इंडिया यानी कि भारत की तरक्की में अपना योगदान देना। जो नीति आयोग था बच्चे, इसके लिए कुछ एक कार्यक्रम बनाए गए, जैसे कि आपको पता है मेक इन इंडिया, मेड इन डिजिटल इंडिया, या फिर हम ये कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान। इन सब प्रोग्रामिंग की निगरानी रखने के लिए भी नीति आयोग को कहा गया। जब नीति आयोग ने इन सब के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, जितनी भी इन सब प्रोग्राम्स के अंदर कमियां थी वो सारी की सारी कमियां दूर हो गई। और ये भी काम था नीति आयोग का कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है वो टाइम रहते ही दूर की जा सके। अगर टाइम रहते ही हम इन्हें दूर कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन में, तरक्की में जो भी रुकावटें हैं उनको जल्दी दूर किया जा सकेगा। इसीलिए नीति आयोग का गठन किया गया ताकि ये समय रहते सारे के सारे डिसीजन टाइमली ले सके। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग के, वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चे? देखिए, नीति आयोग के पर्टिकुलर 10 से 12 ऑब्जेक्टिव हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है बच्चे वो नोट डाउन कर सकते हैं। हियर इज फर्स्ट, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का वो ये रहा कि स्टेट के अंदर नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन सब में एक्टिव पार्टिसिपेट करना और इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर पॉलिसीज बनाना। समझ आ गया बच्चे? सबसे पहले पहला जो ऑब्जेक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेट इन स्टेट गवर्नमेंट इशू रिगार्डिंग इकोनॉमिक सेक्टर। जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना। बच्चे जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी, बाकी सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें। कुछ 4-5 बच्चों ने ऑन कर रखी है बेटा, सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें। यस, ये और भी है, रिया है, नेहा है, सुधा है, रचिता है, मुस्कान की हो गई, निहारिका, आप लोग सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है बच्चे कॉपरेटिव फेडरलिज्म। कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद मींस जितना ज्यादा हो सके रूरल
राज्यों को नियमित तौर पर नियोजन प्रक्रियाओं में संलग्न करना, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उन पॉलिसीज के तहत स्टेट गवर्नमेंट भी उनके साथ तालमेल करके काम करें, ये देखने काम का काम भी कौन करता है, नीति आयोग करता है। दूसरी जो बात आती है, थर्ड पॉइंट में आता है बच्चे, कि रूरल लेवल पर अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं वो सारे डेटा अगर आप रूरल लेवल को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो जो डेटा है वो सारे डेटा स्टेट गवर्नमेंट तक प्रोवाइड करवाने का काम भी नीति आयोग करता है। फोर्थ पॉइंट में मैं ये कहता है, ये डिसाइड करना कि आर्थिक नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाए। ये डिसाइड करना अगर हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी हो उसके अंदर, वो डिसाइड करने का काम भी कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। इसी के साथ है बच्चे पॉइंट नंबर 5, जिसमें कहा गया है समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित नहीं हुए उनके हित की ओर ध्यान देना। मीन्स इसका मतलब ये है बच्चे कि समाज के अंदर कुछ ऐसा वर्ग भी है, जैसे कि धनी वर्ग तो रिचेस्ट पर्सन तो अपनी डेवलपमेंट खुद देख लेते हैं, जैसे COVID-19 में ज्यादा धनी वर्ग नहीं मरा है, मरा कौन है, गरीब वर्ग। तो निम्न तबके के जो वर्ग हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर अगर वो उनसे लाभान्वित नहीं हुए हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चलाई, उस पॉलिसी के तहत अगर वो पर्सन उसका पूरी तरीके से बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं तो उनको भी उनके बेनिफिट दिलवाने के रिगार्डिंग भी काम करने का काम कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम सरसों का तेल नहीं दे रहे हैं और उसकी जगह 250 रुपए हर एक पर्सन के अकाउंट में चले जाएंगे, ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 250 रुपए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं वो काम नीति आयोग का ही रहता है। इसी के साथ साथ दीर्घकालीन रणनीतियों का कार्यक्रम बनाना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करने का काम रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग ये कौन करता है, नीति आयोग ही करता है। नीति आयोग ये भी नियमित जांच करके डिसाइड करता है कि अगर किसी पॉलिसी को चेंज करना है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चलाई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिस तरीके से वो अच्छे तरीके से काम कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट में उतने ही बेनिफिशियरी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो देखना कि कहाँ क्या कमी आ रही है, कि सेंट्रल में तो वो बहुत अच्छे से चल रही है लेकिन स्टेट में वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो वो डिसाइड करने का काम भी कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। जिन जिन का राष्ट्रीय रिसर्च के अंदर या जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, हमारे जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, उन सब के स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है, नीति आयोग करता है। वो ये चाहता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले पर्सन है, बुद्धिजीवी हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नीति आयोग की पॉलिसी बनाने में भागीदारी स्थापित करे, ताकि ऐसी पॉलिसी बने जिससे समाज का राष्ट्र का बहुत ज्यादा उत्थान हो सके। इसका नीति आयोग का एक और काम भी था बच्चे, एक और उद्देश्य भी था कि इंटर स्टेट जितनी भी किसी भी तरीके की अगर कोई भी इनइक्वालिटीज आती हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके, उन इक्वालिटीज को दूर करने का काम भी कौन करता है, नीति आयोग करता है। इसका मेन काम ये है गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस, सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रथाएं, मीन्स जितने भी आधुनिक संसाधन है, रिसर्च सेंटर है उनको एस्टेब्लिश करना, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के को इस तरीके से रिगार्डिंग एडवाइस देना ताकि देश की तरक्की की जा सके। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम करने पे भी विशेष ध्यान नीति आयोग देता है। इसके साथ साथ राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ हेल्प लेकर, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे भारत निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया, इन सबको
इन सब की निगरानी करना, यानी कि जिस तरीके से ये काम किए जा रहे हैं उन सारे कामों की निगरानी करने का काम भी कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसी तरीके से और भी काम करना जो हमारे राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से काम कर सके और इन सब योजनाओं का उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग कर सके। इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं जो नीति आयोग है बच्चे, उसकी मोटा मोटी 5 से 6 ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो भी जिस भी व्यक्ति के लिए पॉलिसी बनाई गई है उस व्यक्ति के इंटरेस्ट को सेव करना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज में तालमेल बनाना, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी पर निगरानी रखना कि कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी पर निगरानी रखना कि वो स्टेट में फॉर्मुलेशन के टाइम पे कोई कमी तो नहीं आ रही, अगर कोई कमी आ रही है उस पर निगरानी रखते हुए समय रहते हुए उस कमी को दूर करना। अब जो नीति आयोग है उसके अंदर कौन व्यक्ति है और कैसे काम कर रहे हैं, देखिए बच्चे जो नीति आयोग है इसके अंदर पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो इसका जो चेयरपर्सन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो है बच्चे डॉक्टर राजीव कुमार, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं बेटा। नीति आयोग के जो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है बेटे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस चेयरपर्सन है बेटा डॉक्टर राजीव कुमार। इसका जो गवर्निंग काउंसिल है वो संघ जितनी भी यूटीज है उनके अंदर चल रहा है। इसकी जो रीजनल काउंसिल है उसके अंदर जितनी भी रीजनल काउंसिल, मतलब रीजनल काउंसिल का मतलब ये होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी स्टेट का सीएम है या उसके जो वाइस गवर्नर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फुल टाइम इसके जो मेंबर होते हैं वो 3 मेंबर होते हैं जो इसके फुल टाइम होते हैं। इसके एक्स ऑफिस मेंबर भी होते हैं, यानी कि पद के अनुसार इसको टाइम टू टाइम मेंबर दिए जाते हैं। एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमन को इसको एक्स ऑफिस मेंबर इंक्लूड किया हुआ है। स्पेशल इनवाइट्स भी कि कुछ लोगों को स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है कि वो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिमम पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो भारत सरकार में जो भी सेक्रेटरी के पद पर काम करता है वही इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है। इसका जो सेक्रेटरिएट है, इसका जो सचिवालय है वो जहां नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर इसकी स्ट्रक्चर होती है नीति आयोग की। अब जो डिफरेंस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, ये आप ही बताएंगे, प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है और नीति आयोग का काम क्या होता है? बच्चे आप लोगों ने दोनों को पढ़ा, नीति आयोग तो क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन करता है वो ये देखता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर उन पॉलिसी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको चेक करने का काम नीति आयोग का होता है। समाज के कुछ व्यक्तियों को अगर सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उन व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने का काम भी कौन करता है? नीति आयोग करता है। अब हम थोड़ा सा इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस, नेचर ऑफ वर्क, नीति आयोग का काम क्या है बच्चे? नीति आयोग एक एडवाइजरी कमीशन के रूप में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को बहुत से ऐसे इश्यूज जो टेक्निकल इश्यूज है रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनसे रिलेटेड एडवाइस देता है। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या करता है? प्लानिंग कमीशन क्या करता है बच्चे? ये जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बंटवारा करता है। इसके बाद आती है बच्चे सेकेंड पॉइंट्स के रिगार्डिंग रोल ऑफ स्टेट, किस किस स्टेट का क्या क्या रोल रहता है बच्चे इसके अंदर? रोल ऑफ स्टेट में अगर हम बात करें नीति आयोग के अंदर किसकी ज्यादा भूमिका रहती है? राज्य सरकारों की ज्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही तो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, इसके अंदर राज्य सरकारों की ज्यादा भूमिका नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 5 वर्षीय योजनाएं बनाती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा का सारा पार्टिसिपेशन करती है। फुल टाइम मेंबर इसके अंदर कौन होता है, कोई बता सकता है? नीति आयोग छोटे आकार की होती है जबकि प्लानिंग कमीशन बड़े आकार की होती है, और प्लानिंग कमीशन के अंदर 8 व्यक्ति फुल टाइम मेंबर होते हैं। नीति आयोग में हमने कितने पड़े बच्चे अभी, 3 मेंबर जो फुल टाइम रहते हैं। पार्ट टाइम मेंबर नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन में कोई भी पार्ट टाइम मेंबर नहीं होता। इसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, अगर इसके अंदर किसी की भी नियुक्ति की जानी है तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जबकि प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति कर सकता है। तो ये था इन दोनों में बच्चे डिफरेंस कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि नीति आयोग क्या है। गर्ल्स समझ आ गया सबको नीति आयोग क्या है? सबको समझ आ गया है? नीति आयोग एज अ एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करता है एज अ एडवाइजरी। विभिन्न मुद्दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं का हर एक स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके, ये देखने का काम भी कौन करता है बच्चे? सेंट्रल, ये नीति आयोग करता है। और ये इसका सर्वे सर्वा कौन होता है बच्चे? इसका सर्वे सर्वा नीति आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ आ गया है? एट प्रेजेंट कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आप सबको समझ आ गया है? यस मैम। गर्ल समझ आ गया है नीति आयोग क्या है और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है?